लास्ट वीडियो में हमने स्पार्क प्लग के बारे में बात की थी। जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो उसको साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब साइलेंसर के पीछे की इंजीनियरिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं साइलेंसर से रिलेटेड और साइलेंसर के अलावा भी। सिलेंडर के ऊपर आप देखोगे दो वाल लगे रहते हैं, एक वाल से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, इस वाल को इनटेक वाल बोलते हैं, और जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो एग्जॉस्ट वाल ओपन होता है और जो भी जली हुई गैसेस है उनको बाहर निकाल दिया जाता है और यह गैस जाती है साइलेंसर के पास में। जब यह गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर से इस गैस में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती है। जब स्पार्क प्लग फ्यूल को जलाता है तो सिलेंडर के अंदर एक धमाका होता है जिसकी वजह से नॉइस भी बहुत ज्यादा होती है, तो साइलेंसर नॉइस को भी कंट्रोल करता है। सिलेंडर से निकलने के बाद गैस इन पाइप से होते हुए सबसे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर के पास में पहुंचती है, इसको शॉर्ट में कैट भी बोलते हैं। लेकिन कैट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर लगा रहता है जिसका नाम है ऑक्सीजन सेंसर। यह सेंसर एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है और इस इंफॉर्मेशन को गाड़ी का जो कंप्यूटर है जिसको ECU बोलते हैं उसको देता है, और ECU इनटेक वाल से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है उसको कंट्रोल करता है। कई बार होता है कि सिलेंडर के अंदर फ्यूल सही से नहीं जल पाता है और गाड़ी से फिर काला धुआं बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन सेंसर ECU को बताता है कि फ्यूल सही से नहीं जल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है सिलेंडर के अंदर। तो ECU फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और ऑक्सीजन के साथ में फ्यूल का मिक्सचर थोड़ा कम कर देता है। यदि यह सेंसर खराब होता है तो गाड़ी का माइलेज भी खराब होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से होते हुए गैस कैटालिटिक कन्वर्टर के पास में पहुंचती है। कैट सिलेंडर के पास में ही लगा रहता है क्योंकि इसको काम करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो जब गैस कैट के पास पहुंचती है तो इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे कम टेम्परेचर में यह काम नहीं करता। इस कन्वर्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे डक्ट बने रहते हैं और यह डक्ट प्लेटिनम, रोडियम और पैलेडियम जैसी महंगी मेटल से बने रहते हैं, इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी का एक कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। जब सिलेंडर से गैस बाहर निकलती है तो उसमें बहुत हार्मफुल गैस होती है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब यह गैस कैट के इन डक्ट से होते हुए बाहर निकलती है तो यह रिएक्शन करके लेस हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ियों के साइलेंसर में से पानी निकलता है क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर में जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैट कन्वर्टर के आगे एक और ऑक्सीजन सेंसर लगा रहता है, यह सेंसर भी ऑक्सीजन सेंस करके ECU को देता है और ECU इस डेटा को फर्स्ट ऑक्सीजन सेंसर से कंपेयर करती है और चेक किया जाता है कि कहीं फर्स्ट सेंसर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। इसके बाद में कैटालिटिक कन्वर्टर एक महंगा इक्विपमेंट होता है, इसलिए सेकेंड ऑक्सीजन सेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर की एक्यूरेसी भी चेक करता है। और जब कैट कन्वर्टर खराब हो जाता है तो इन्हीं सेंसर के डेटा कंपैरिजन से हमें गाड़ी की स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंडिकेशन दिख जाता है। अब यहां से गैस आगे जाती है मफलर के पास में जिसको साइलेंसर बोलते हैं, और यह डिवाइस बहुत ही कमाल की होती है। यदि यह डिवाइस गाड़ी में अच्छी लगाई हुई है तो गाड़ियों की सेल भी सिर्फ इसी डिवाइस से डिसाइड हो सकती है। दोस्तों आप भी हमारे साथ में 3D एनिमेशन सीख सकते हो। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन इंडस्ट्री 2016 के बाद में 3D के फील्ड में बूम पर है। आपको सिर्फ एक घंटा देना है, बाकी जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वह करते रहना है। टाइम के साथ में आपकी 3D एनिमेशन की स्किल इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप यदि इसको फुल टाइम भी करते हो तो 3D एनिमेशन आपको पूरी वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। अभी 3D एनिमेशन डेवलप हो रहा है और कुछ टाइम बाद में इसमें वही भीड़ बढ़ जाएगी सभी फील्ड की तरह, और राजा वही होगा जिसने एंट्री स्टार्टिंग में की है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नाउ बैक टू द पॉइंट, साइलेंसर नॉइस को कंट्रोल भी करता है और उसको ट्यून भी करता है। कार स्पोर्ट कार जैसी आवाज निकालेगी या नॉर्मल आवाज निकालेगी यह साइलेंसर पर डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी के इंजन की स्पेसिफिकेशन भी मैटर करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आपने देखा होगा एकदम नॉर्मल बाइक में साइलेंसर बदलवा कर उनकी आवाज स्पोर्ट बाइक जैसी बना देते हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, हम जिस इंजन की बात कर रहे हैं वो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। यदि आपने लाइफ अड्डा के पीछे के वीडियोस देखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से पता होगा। साइलेंसर के अंदर अलग अलग चैम्बर बने रहते हैं जिनको बेफल्स बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, ध्यान से सुनना। साइलेंसर के पास में गैस भी आ रही है और नॉइस भी आ रही है, और साइलेंसर को गैस के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इसकी नॉइस को रिड्यूस करना है।
तो जब गैस साइलेंसर के अंदर एंटर होती है तो अंदर की तरफ आप इस चेंबर में देखोगे कि इस पाइप के चारों तरफ होल्स बने रहते हैं और इन होल का पर्पज एक ही है, गैस सीधी आगे पास हो जाए और नॉइस इन होल से निकलकर दोनों बेफल्स के अंदर फंस जाए। चलो थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। इस पाइप से होते हुए गैस और साउंड वेव इस चेंबर में पहुंचती है, गैस सीधे आगे निकल जाएगी कुछ ऐसे और साउंड वेव दोनों तरफ बेफल्स की दीवारों से टकराएगी, कभी इधर से कभी उधर से, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो यह कुछ अपनी एनर्जी लॉस करेगी क्योंकि साउंड वेव सिर्फ एक वाइब्रेशन होता है और यह वाइब्रेशन जब साइलेंसर की दीवारों से टकराएगी तो इनमें ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि गाड़ी का साइलेंसर बहुत ज्यादा वाइब्रेट भी करता है साउंड वेव की वजह से, और असल में साउंड वेव कैसे जनरेट होती है इस वीडियो से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, जैसे मान लो एक साउंड वेव आई, पहले इधर वाले बेफल से टकराते हुए कुछ इस टाइप का शेप बनाएगी, फिर दूसरी साउंड वेव आई और उसने कुछ ऐसा शेप बनाया। अब आप देखोगे दोनों साउंड वेव एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है और जब दोनों साउंड वेव एड होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और इसी चीज को नॉइस कैंसिलेशन बोलते हैं। आपने बहुत सारे हेडफोन या माइक्रोफोन में लिखा हुआ देखा होगा कि इनमें नॉइस कैंसिलेशन होता है, तो उनका बेसिक मतलब यही होता है कि उनमें चेंबर्स बने रहते हैं और मेन साउंड के अलावा जो एक्स्ट्रा साउंड होती है उसकी ओपोजिट साउंड वेव को प्ले करके उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो साइलेंसर के अंदर बेफल्स की डिजाइन भी इसी तरीके से होती है, यहाँ पर ओपोजिट साउंड वेव को स्ट्राइक करवा कर उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो चेंबर है इसमें गैस अंदर तो आ रही है लेकिन इससे कोई बाहर एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, तो यह एक एयर रिजर्वोयर की तरह काम करता है और जब साउंड वेव इसमें आती है तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर पड़ी हुई एयर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। अब रेजोनेंस क्या होता है, जैसे एक साउंड वेव फ्रीक्वेंसी है और जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो एकदम हाई साउंड वेव जनरेट होती है, इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यह जो हमें पीक साउंड मिली है इसी से गाड़ियों की आवाज बदल जाती है, तो यह चेंबर गाड़ियों की आवाज को ट्यून करता है और एक बेहतर आवाज निकालता है और इस चेंबर को हेल्म होल चेंबर बोलते हैं। फिर इसके बाद में साउंड वेव इधर से होते हुए इस चेंबर में पहुंचेगी और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगी नॉइस कैंसिलेशन की। तो हेल्म होल्स चेंबर नॉइस को ट्यून करते हैं और बेफल्स नॉइस कैंसिलेशन करते हैं। हमने जो मफलर की बात की है वह एक टर्बो मफलर है जो आजकल मोस्टली यूज होता है। इस तरीके से इन सभी चेंबर में नॉइस कैंसिलेशन का काम होता है और फाइनली गैस बाहर निकलती है। अब कुछ गाड़ियों में दो मफलर भी होते हैं, कुछ में एक ही होता है, यह गाड़ी के इंजन पर डिपेंड करता है। और मफलर से गैस टेल पाइप से होते हुए बाहर निकल जाती है और जब गैस बाहर निकलती है तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे पास में और भी बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है फ्यूचर वीडियोज के लिए, तो उन फ्यूचर वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और आप भी हमारी 3D कम्युनिटी में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू दोस्तों।